कम्स फ्रॉम आउटसाइड, हम ऐसे ही हैं, हमारा बाहर से ही आता है। घच्चड़ गाड़ी होती है वो कैसे चलती है, बाहर से धक्का लगे होती है ना। हम ऐसे ही हैं, हमारे सारे मोटिवेशंस बाहर से ही आते हैं, एक एक मोटिवेशन हमारा बाहर से आता है। कोई हमें सैलरी दे देगा तो मोटिवेट हो जाते हैं, कोई हमें मार्क्स दे देगा तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, कोई हमें डरा देता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा एक एक कर्म बाहर के किसी टेम्पटेशन से होता है या किसी भय से होता है। ग्रीड और फियर बोथ एक्सटर्नल, बोथ एक्सटर्नल। हम ऐसे ही जीवन भर यही किया हमने। अभी आपको पता लगाना है कि क्या इसके अतिरिक्त भी कोई जीवन हो सकता है। कैन देयर बी अ लाइफ इन विच आई एम नॉट ऑलवेज बीइंग पुश्ड अराउंड, कैन देयर बी अ लाइफ इन विच माई गाड़ी moves through its own engine, can there be a life like that? ये अब आपको पता लगाना है, पर उसके लिए पहले ये देखो कि अभी तक जैसे भी चले हो वो धक्के से ही चले हो, और जो जिधर को धक्का लगाता है उधर को चल देते हो। जैसे एक गेंद पड़ी हो यहाँ पे, ये उसको उधर फेंके तो उधर पहुँच जाएगी, वो कोई उठा के उधर फेंके उधर पहुँच जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है पर हो कुछ नहीं रहा है, गेंद कुछ भी नहीं कर रही है। गेंद को दूसरे हैं जो उठा उठा के फेंक रहे हैं। बॉल फाइनली पहुंचेगी, कोई ज़रूरी है बॉल नाली में भी जा सकती है मर्जी है फेंकने वाले की। और क्या फ़र्क पड़ता है कि गोल में पहुंच रही है कि नाले में पहुंच रही है, बॉल का उसमें अपना कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है जो फुटबॉल गोल में घुसती है खुश हो जाती है? जो फुटबॉल खाई तो उसने लात ही है, तब भी भले गोल में घुस गई हो, खाई तो उसने लात ही है। और यही ऐसे ही तुम्हारे गोल है। फुटबॉल में कम से कम ये भ्रम नहीं होता कि मैं अपने गोल में घुस रही हूँ। तुम तो डिक्लेयर करते रहते हो माई गोल्स एंड माई टारगेट्स, और हो कुछ नहीं रहा है। परिस्थितियाँ, समाज, सिचुएशंस तुमको लात मार रही हैं और तुम गोल में घुस रहे हो, और तुम कहते हो माई गोल्स माई टारगेट्स। ये वैसे ही है, फुटबॉल खुशी मना रही हो, ये गोल हो गया। बट अगर वो फुटबॉल है, इट डिजर्व्स टू बी किक्ड, इट डिजर्व्स टू बी किक्ड। और ये अच्छा है जो हो रहा है, बिल्कुल। फुटबॉल की नियत ही है चारों तरफ से खाते रहना, तो जब तक तुम फुटबॉल रहोगे तुम्हारा होगा ही यही, इधर से उधर से खाओगे, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में, कभी ये आके तुम्हारा शोषण करेगा, कभी वो डोमिनेट करेगा, कभी घर, कभी परिवार, कभी समाज, कभी धर्म, कभी शिक्षा, कभी एम्प्लॉयर, कभी पड़ोसी, कभी सरकार, कोई ना कोई तुम्हारी हाँ, इट्स अ लाइफ। खत्म नहीं कर दो, क्या फायदा है? 4 मंजिला तो ये MIT है, इसलिए बनाया गया, इसीलिए। इफ दिस इज लाइफ देन इट डजंट डिजर्व टू बी लिव्ड, इफ दिस इज लाइफ देन इट डजंट डिजर्व टू बी लिव्ड। जीवन निश्चित रूप से इससे कुछ बेहतर चीज़ है। जीवन निश्चित रूप से मुक्त रूप से भी जिया जा सकता है। और एक जवान आदमी ये बोले कि इस गुलामी का नाम लाइफ है, तो बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। वही है ना, कैदी, मैं जेलर हूँ और ये जेल जिंदगी है। अब आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे जब जेल ही जिंदगी बन गई। दिस इज लाइफ। और ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये हर उस आदमी का तर्क है जो हमारे आसपास हम जिसे देखते हैं, वो लोग जो सड़कों पे चल रहे हैं, वो लोग जो हमारे गली मोहल्लों में बसे हुए हैं, वो लोग जिसे हम अपना समाज कहते हैं, सबका तर्क यही है कि जीवन इसी का तो नाम है, इसी उठा पटक, इसी गंदगी, इसी गुलामी, इसी बंधन का नाम तो जीवन है। यही तो उनका तर्क है। इसे उनका तर्क रहने दो, तुम इसमें मत फंस जाओ, ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। इसका इन्फ्लुएंस केवल ये होता है कि जो फुटबॉल ही है वो इंडिविजुअल बनने की कोशिश होती है, फाइनली उसे क्योंकि लगती है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो रेडी नहीं है, बट क्योंकि उसे बता दिया गया है इट इज एक्टिंग लाइक एन एक्टर। मेरी ओर ऐसे क्या देख रहे हो, अपनी ओर देखो, तुम्हारी बातें हो रही हैं, मेरी थोड़ी हो रही हैं। मैं दिखता बस हूँ फुटबॉल जैसा हो तुम। मज़ा आ गया ना, मोटा बहुत देर से पकड़ पकड़ कर रहा था। फिर उधर देखा तुमने, इधर उधर। बोलो बोलो। यस, हाउ कैन वी मेक आवर प्रेजेंटेशन एंड वे ऑफ स्पीकिंग मोर बेटर? बोल तो रहे हो, इसमें क्या बुराई है? इससे और बेहतर क्या होगा कम्युनिकेशन का? जैसे आप बोल रहे हो, मैं सोच के नहीं बोल रहा कि बेटर कैसे हो जाओ, बल्कि मैं ऐसा बोल भी इसीलिए पा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, और तुम जैसे बोल रहे हो वो मुझे समझ में आ रहा है, मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है, बात खत्म। तुम्हें बेटर क्या करना है, ये वही सवाल है। हाउ कैन आई मेक माई ईटिंग बेटर? अरे खा तो रहे हो, जा तो रहा है पेट में, और बेटर क्या होता है कि और ऐसे ऐसे करके लाओगे खाना? बेटर क्या है? और तुम्हें दो चार टेक्निक समझा दो कि सर के पीछे से हाथ। कम्युनिकेशन का सीधा साधा अर्थ होता है कि मैं बोलूँ तुम समझो, तुम बोलो मैं समझूँ, बाकी सब जो है वो हवा है, बाकी सब जो है वो दूसरे को प्रभावित करने की तरकीबें हैं कि एक्सेंट से बोल दो, लच्छेदार भाषा बोलो, भारी भारी शब्दों का प्रयोग करो, राइट? और उसको तुम सोचते हो ये कम्युनिकेशन स्किल है, और वही तुम पूछना चाह रहे हो कि ऐसा कैसे बोलूँ जिससे उसको मज़ा आ जाए। तो उसकी ट्रेनिंग मैं नहीं देता, वो एक अलग तरह की कला है। कॉल सेंटर वर्कर से उसकी ट्रेनिंग ले लो। कम्युनिकेशन बहुत साधारण सी चीज है। क्या है कम्युनिकेशन? मैंने बोला तुम्हें समझ में आ गया ना। इसके अलावा अगर कम्युनिकेशन कुछ भी है तो अननेसेसरी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कम्युनिकेशन में अगर ऐसा कुछ भी है जो कोई और ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है तो समझ लो कि उसको हटाया जाए, वो अननेसेसरी है। समझे? जोर से, जोर से। ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम मानते हो इस बात को? हाँ, कंफ्यूज हो। अच्छा बैठो, इधर भी आ जाएगा कंफ्यूजन वाला। पूछ रहा है कि दिस सेंटेंस that you will not win because I will not lose shows confidence or over confidence or what? तुमने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली बच्चे। पहले तो क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस का अर्थ पता है? ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत आगे की बात है। कॉन्फिडेंस क्या होता है ये समझते हो क्या? ये क्या चीज़ है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये क्या है? फिर क्या तुम ये समझते हो कि ये लूज और विन क्या है? ये सब कुछ नहीं है। You will not win, I will not lose. All this is game of the ego. All this is juvenile behavior. मुझे अपना काम करने से अर्थ है या जीत हार से अर्थ है? Remember, victory and defeat happen only in a framework of competition, right? And to compete means I am less bothered with what I am doing and more bothered with what others are doing. प्रेम में किसी से गले मिलते हो तो क्या गिनते हो कि पड़ोसी 5 मिनट के लिए मिलता है, मैं 5.5 मिनट मिलूँगा, मेरी विक्ट्री उसकी हार, करते हो ऐसा? पानी पीते हो तो क्या गिनते हो कि मेरा दोस्त है, वो एक बार में 1 गिलास पीता है, मैं 2 पीऊँगा, करते हो ऐसा? करते हो? जीवन अपने लिए होता है, जीवन एक कंपटीशन थोड़ा ही है कि दूसरे से गिन रहे हैं कि तू जीता कि मैं हारा। तू सुबह लू में कितनी देर बैठता है? 3.5 मिनट। मैं 3.25 बैठता हूँ। तो अभी तीसरा निकल गया, तुम दोनों क्या हो? मैं 15 मिनट बैठ के आ रहा हूँ। जीवन अपने लिए जिया जाता है ना। या ये गिनते हो कि बगल वाला 1 मिनट में कितनी सांस लेता है, मैं उससे एक बार ज़्यादा लेके दिखाऊंगा। तुझे भूख कितने बजे लगती है? 1 बजे? मुझे 1:15 बजे लगती है, तू हारा। ये क्या है? विन लूज क्या चल रहा है? तुम्हें अपना कुछ होश है या तुम बगल वाले से कंपटीशन कर रहे हो? अपना पता नहीं है, दूसरे से रेस लगा रहे हैं। ये करीब करीब वही बात है कि 2 लोग हैं रास्ता भटके हुए, दोनों को पता नहीं है कि रोड जाकर आ रही है, और दोनों एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं कि आगे कौन जाएगा। तुम जहाँ भी जाओगे गलती तो जाओगे, तुम जहाँ भी पहुँचोगे वहाँ तुम्हें पहुँचना नहीं चाहिए था। पहले ये तो देख लो कि तुम हो कौन और तुम कर क्या रहे हो, उस रोड पे तुम्हें होना भी चाहिए कि नहीं। आप बड़े ज़ोर शोर से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या करना है, सरकारी नौकरी चाहिए, और इस बात के लिए बड़े सतर्क हैं कि जीत होनी चाहिए, हार नहीं होनी चाहिए कंपटीशन में। पर क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? तुम उस कंपटीशन में हो ही क्यों? पहले ये तो देख लो। तुम्हारा सवाल बताता है कि तुम्हारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि विक्ट्री है कि डिफीट है। तुम पहले देखो तो, जो आदमी अपने में खुश होगा वो विक्ट्री डिफीट नहीं सोचेगा। जैसे कि तुम ये बिल्कुल नहीं गिनते हो कि मैं कितने मिनट के लिए गले मिल रहा हूँ अगर प्रेम में हो, और बगल वाला कितने मिनट के लिए मिलता है, कि गिनते हो? विक्ट्री डिफीट सोचते हो क्या? नहीं सोचते ना। विक्ट्री डिफीट की जो सोच रहा है वो पहले से ही डिफीटेड है। टू थिंक अबाउट विक्ट्री इज इन इटसेल्फ अ डिफीट। बात आ रही समझ में? नहीं सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैं सिकंदर हूँ, मुझे जीतना है। क्यों? तुम्हें भी जीतना है, सब सिकंदर हो। जीतना ज़रूरी है। दिक्कत नहीं हो जाएगी, जीत लोगे और ये भी नहीं पता होगा किसने जीता। हाँ, दिक्कत नहीं हो जाएगी। टारगेट्स भी तो जरूरी है सर लाइफ में, तभी तो उनके थोड़ा क्लोज पहुँचेंगे, जब उनके लिए कुछ एफर्ट्स करेंगे। जैसे फुटबॉल के लिए गोल ज़रूरी है। यस सर। फुटबॉल के लिए जैसे गोल ज़रूरी है। नोटिस अ गोल इम्प्लाइज something missing currently, right? अभी कुछ है जो कमी है, अभी कुछ है जो मुझे मिला नहीं है और आगे मुझे मिल जाएगा। गोल का ये अर्थ होता है, ठीक है ना। गोल का अर्थ होता है कि मैं अभी तकलीफ में हूँ, अगर अभी मैं पूरा हूँ, खुश हूँ, तो गोल का सवाल उठता है क्या? उठता है क्या? तो जो भी लोग गोल की बात कर रहे हो, सबसे पहले तो ये देखें कि वो वर्तमान में कितनी तकलीफ में होंगे, कि भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं। भविष्य की आकांक्षा यही बताती है ना कि वर्तमान से बड़ा दुख है, और जिसको वर्तमान से जितना ज़्यादा दुख होगा वो भविष्य के उतने सपने लेगा। तो आप में से जितने भी लोग ड्रीमर्स हों, सबसे पहले तो वो अपने आप को एक्नॉलेज करें कि मैं बड़ा दुखी हूँ। और जैसे ही आप ये एक्नॉलेज करोगे आप पाओगे कि वर्तमान में दुखी होने का कारण ये है कि आप वर्तमान में हो ही नहीं, वरना वर्तमान में कोई दुख नहीं। जितना ज़्यादा आप अपने गोल से चिपकोगे आप उतने दुखी होते जाओगे, बिकॉज द वेरी एजम्पन बिहाइंड द गोल इज़ दैट there is something to be achieved, something is missing, something is incomplete, something is left to be desired. Sir, aapne kaha victory, what is missing right now? Sir, if I say okay, I want to be a visionary, then it is possible that it is my real goal. If you are studying, if you are studying and you love what you are studying, will you become an engineer by yourself or not? आप इंजीनियर, सवाल पूछ रहा हूँ बताइएगा, आप इंजीनियर कैसे बनते हो? आप इंजीनियर बनते हो इंजीनियर बनने के सपने लेकर के, या आप इंजीनियर बनोगे जो अभी पढ़ रहे हो उसमें पूरी तरह डूब के पढ़ के? दो लोग हैं, एक है जो इंजीनियर बनने के सपने ले रहा है, बड़ी गहरे तरीके से उसने गोल बना रखा है, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, और दूसरा है जिसके पास कोई गोल नहीं है पर वो जो पढ़ रहा है उससे उसे प्रेम है और वो उसमें डूबा हुआ है। इन दोनों में से वाकई इंजीनियर बनेगा कौन? जो पढ़ रहा है, उसके पास कोई गोल नहीं है इंजीनियर बनने का, और जिसके पास गोल है वो गोल ही गोल रहेगा और जीवन भर यही रहेगा कि जो चाहा वो मिला नहीं। अरे तुम्हें इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तुमने चाहा बहुत ज़्यादा, चाहते नहीं तो मिल जाता। टू हैव अ टारगेट इज टू श्योरली मिस द टारगेट, और जिसके टारगेट नहीं होता वो जैकपॉट हिट करता है। जिसके टारगेट नहीं होता वो सीधा जैकपॉट हिट करता है, और जिसके टारगेट है वो टारगेट में खोए रहो। जब सेकेंड ईयर ही क्लियर नहीं होगा तो हम कहाँ से इंजीनियर बन जाओगे? इंजीनियर बनना है, यस, वो करो जो अभी करना है वर्तमान में, वो करो जो अभी करना है। सपने मत देखो, मैं तुम्हें तो बताया ही क्या, ड्रीम्स ड्रीम्स और बहुत सारी कोटेशंस हैं। हाँ, ड्रीम्स, बड़े बड़े सपने, कि जो जितने ऊंचे सपने लेगा उसकी उतनी ऊंची उड़ान होगी। लो सपने, सो जाओ अभी और सपने बन जाओ औरंगजेब, तो क्या हो जाएगा उससे? थोड़ी देर में 3 बजेगा 5 बजेगा, ये सब बंद हो जाएगा, कोई प्यून आएगा ऐसे उठाएगा चल, फिर औरंगजेब कहाँ गया? लो सपने।